आज हम लेकर आए हैं मिनी बन पैपी पनीर चीज बन, बहुत ही स्पेशल और बहुत डिलीशियस। बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट है ये पैपी पनीर चीज बन। आप घर पे ही बना पाएंगे ये मिनी बन, इतना स्पेशल है, इतना टेस्टी और बिल्कुल सॉफ्ट है कि आपको इस रेसिपी से डेफिनेटली प्यार हो जाने वाला है और आप इसे हमेशा बनाने वाले हैं अपने बच्चों के लिए। उनके लंच बॉक्स में भी आप पैक करके दे सकते हैं, अपनी पार्टीज के लिए भी आप ये स्पेशल बन, बिल्कुल बेकरी जैसा बन आप घर पे बना सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि बेकरी से भी अच्छा सॉफ्ट हेल्दी बन आप घर पे ही बना पाएंगे, वो भी बहुत इजी तरीके से। देखिए कितना अमेजिंग है, बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट है ये, और ये स्टफ बन है तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं। सुपर सॉफ्ट है ये पैपी पनीर चीज बन, तो बने रहिए वीडियो में, हम बिल्कुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताने वाले हैं ये स्पेशल रेसिपी। चले बनाते हैं ये बन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम इन मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। मैजिक किचन हमेशा लाता है आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी, तो डिलीशियस रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। फ्रेंड्स, हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज, इंडियन रेसिपीज, ट्रेडिशनल रेसिपीज और बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज। तो इनोवेटिव और स्पेशल रेसिपीज बनाने के लिए बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। मैजिक किचन को आपने जो प्यार दिया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। यूं ही बने रहिएगा और यूं ही प्यार बरसाते रहिएगा, हम आपके लिए लाते रहेंगे अमेजिंग डिलीशियस रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, चले देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कौन सी है और आज की रेसिपी के टिप्स और ट्रिक्स कौन से हैं। तो चले बनाते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। फर्मेंट करेंगे। यहाँ पे गुनगुना पानी लिया हमने आधा कप और उसमें ऐड कर लेंगे 1 1/4 टेबलस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और साथ में ऐड करेंगे शुगर। तो 1 टेबलस्पून हमने कैस्टर शुगर लिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे और 10 मिनट का इसको रेस्ट देना है यीस्ट फर्मेंट होने के लिए। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ध्यान रखिए पानी गुनगुना लेना है ताकि ईस्ट जो है अच्छे से फर्मेंट हो जाए। आप गुनगुने दूध में भी इसको फर्मेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ईस्ट को फर्मेंट होने के लिए गुनगुना पानी चाहिए। तो 10 मिनट हम इसको रेस्ट करने देते हैं। तब तक हम तैयार कर लेते हैं अपना ड्राई इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फ्लावर, तो 3 कप हम लेंगे ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा। अच्छे से छानना है, बिना छाने नहीं बनाइएगा। जब भी हम ब्रेड और केक बनाते हैं तो जरूरी है कि हम ड्राई इंग्रेडिएंट छान ले। तो यहाँ पे 3 कप हम ले रहे हैं ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा और लेंगे 1/4 कप कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी भी आप ले सकते हैं। साथ में लेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक और 1/2 कप लेंगे मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर की जगह दूध भी यूज कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से छान लेंगे। हम मिल्क पाउडर यूज कर रहे हैं इसलिए हम पानी लेंगे गुनगुना इसको आटे को डो को लगाने के लिए। तो अच्छे से पहले छान लेते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ जो है पाउडर हमें मिले। ये देखिए इस तरह से ये थोड़े से जो बड़े चंक्स रहते हैं इनको निकाल देना है। तो ये पाउडर हमारा रेडी हो गया है, इसमें सभी चीजें हमने मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हमें डो लगाना है। चेक कर लेते हैं हमारा जो ईस्ट है वो फर्मेंट हुआ या नहीं। 10 मिनट में फर्मेंट हो जाता है बहुत अच्छे से।
देखिए बिल्कुल परफेक्टली फर्मेंट हुआ। इस तरह का जब टेक्सचर आ जाता है तो समझ जाइए कि ईस्ट ने वर्क किया है अच्छे से और ये डो के साथ भी बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो अब ये जो ईस्ट हमने लिया था उसे कम्प्लीटली हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने के बाद ही हम पानी यूज करेंगे, क्योंकि जितना पानी इसमें है, क्योंकि हाफ कप हमने पानी लिया था तो जितना पानी है उसके बाद जरूरत होगा उतना पानी हम डो को लगाने के लिए लेंगे। ध्यान रखें डो को हमें स्मूथ बनाना है, टाइट नहीं बनाना है, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, स्मूथ बनाना है हमें डो को। तो उतना हम पानी लेंगे जितना जरूरत है डो को लगाने में। अब इसमें हम ले लेते हैं बटर, 80 ग्राम हम बटर लेंगे। तो बटर रूम टेम्परेचर पे है, आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बटर का जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर पे हो। मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले, उसके बाद जितने पानी की जरूरत होगी उतना पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, पानी गुनगुना ऐड करेंगे। हमने मिल्क पाउडर लिया था इसलिए हम पानी ऐड कर रहे हैं। यदि आप मिल्क पाउडर की जगह दूध लेते हैं तो आप पानी मत यूज कीजिएगा, दूध ही यूज कीजिएगा। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और थोड़े थोड़े पानी ऐड करने के साथ ही हम अच्छा सा डो लगा लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी हम ऐड करेंगे और गुनगुना पानी ऐड करने के साथ ही हम अच्छा सा स्मूथ डो लगा लेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है जब भी आप ब्रेड बनाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो डो लगा रहे हैं वो परफेक्ट हो। तो डो को अच्छे से हम पहले लगा लेते हैं, उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट होगा डो की नीडिंग। तो सबसे पहले बहुत अच्छे से डो को हम लगा लेते हैं और डो लगाने के बाद हमें तकरीबन 15 मिनट इसकी नीडिंग करनी है। जब भी आप ब्रेड बनाएं तो बहुत जरूरी होता है उसका जो है नीडिंग अच्छे से हो। तो देखिए डो रेडी हो गया है, अब हमें इसको अच्छे से नीड करना है तकरीबन 15 मिनट। तो 15 मिनट इस डो को ठीक इस तरह से आपको लगाना है। तो 15 मिनट हम अच्छे से डो को लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से रोल करते जाएंगे, पंच करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। ये इम्पोर्टेंट होता है जब आप ब्रेड बना रहे हैं, ब्रेड सॉफ्ट बने, अच्छा बने, स्पॉन्जी बने, तो उसके लिए जरूरी है आप 15 मिनट तकरीबन हाथों को स्ट्रेच देते हुए आप इस तरह से डो को लगा लेंगे। यदि आपको डो लगाने वाली मशीन है तो आप 2 से 4 मिनट में डो लग के तैयार हो जाता है, लेकिन मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, सेम वैसा ही होगा, लेकिन आपको 15 मिनट अच्छे से डो को लगाना होगा, तब तक जब तक कि ये बिल्कुल पर्दे की तरह इस तरह नहीं हो जाता है। जब इस तरह से हो, डो नहीं फटे, तब समझ जाइए कि डो रेडी है ब्रेड लगाने के लिए। आप चाहे बन बना रहे हैं, पाव बना रहे हैं या पिज्जा के लिए आप बेस बना रहे हैं, तो जरूरी है आप डो को इस तरह से लगाएं। तो देखिए डो रेडी हो गया, तो अब ऊपर का सरफेस स्मूथ होना चाहिए, नीचे की तरफ टक कर देंगे इसको, बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से टक करेंगे और उसके बाद इसे 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। तो बिल्कुल ऊपर की सतह चिकनी करनी है आपको, चिकना कर लीजिए इस तरह से, देखिए नीचे की तरफ टक कर लीजिए। तो ये हमारा डो परफेक्टली बनकर रेडी है। अब इसे हमें देना है रेस्ट और फर्मेंट होने के लिए रखना है। तो हम उसी बाउल में जिसमें डो लगाया था बटर लगा लेते हैं ताकि नीचे चिपके नहीं। हाथों से भी लगा सकते हैं, ब्रश की मदद से भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद डो को इसमें ट्रांसफर कर दीजिए, डो के ऊपरी सरफेस पे भी आप बटर लगा दीजिए ताकि ये स्मूथ रहे और जब आप इसको रेस्ट करने के लिए रखे तो ये ऊपरी सतह सूखे नहीं। तो ऊपर भी हम लगा देते हैं बटर, उसके बाद इसे क्लिंग रैप से रैप करेंगे ताकि अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं जाए। तो क्लिंग रैप से रैप करना बहुत जरूरी होता है ताकि अंदर ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा अंदर तभी ये फर्मेंट होगा। तो अच्छे से हम लगा देते हैं क्लिंग रैप और उसके बाद ऊपर से भी इसको ढककर रखेंगे और 1 घंटा इसे हमें रेस्ट देना है। 1 घंटे में हमारा डो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और रेडी हो जाएगा ब्रेड बनाने के लिए। तो ढक देते हैं इसको और ढक के इसे, गर्मियों के दिन है तो किचन सरफेस पे ही आप रख सकते हैं या आप अपने बेकिंग स्टूडियो पे रख सकते हैं इसे।
और यदि सर्दियों का दिन है या बारिश का दिन है तो आप गरम ओवन में इसको रख सकते हैं। हल्का गरम हो, बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। तो 1 घंटा रेस्ट करने देते हैं हम, इसे चेक करते रहेंगे फर्मेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, कितना फर्मेंट हो रहा है। 1 घंटे बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये फर्मेंट हो जाता है। तो देखिए 1 घंटा हो चुका है और ब्रेड डो हमारा कितना फर्मेंट हुआ है, एयरी हो गया है बिल्कुल। ये देखिए हम क्लोज से आपको दिखा रहे हैं कितना एयरी हुआ है। तो इस तरह का डो जरूरी है ब्रेड बनाने के लिए, चाहे आप कैसा भी ब्रेड बना रहे हैं, बन बना रहे हैं, पिज्जा बेस बना रहे हैं, नॉर्मल आप डेली यूज का ब्रेड बना रहे हैं, स्लाइस ब्रेड बना रहे हैं, तो उसके लिए इस तरह का डो बहुत जरूरी है। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, क्लिंग रैप को हटा देते हैं, उसके बाद हम इसको पंच करके एयर निकाल देंगे। उसके बाद फिर हमें इसकी नीड करनी है थोड़े से, 1 से 2 मिनट हम इसको नीड करेंगे। ये देखिए पंच करके हम निकाल देते हैं एयर, कितना फूला है आप देख सकते हैं। तो एयर निकालने के बाद अब हम इस डो को अच्छे से नीड करेंगे 1 से 2 मिनट। तो निकाल लेते हैं इसको सरफेस पे अगेन। ये देखिए बटर लगाने के कारण नीचे चिपकता नहीं है, तो इसको ले लेते, कितना स्मूथ बना है डो आप देख सकते हैं, इतना ही स्मूथ होना चाहिए डो। 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छे से नीड कर लेंगे। अच्छे से नीड करने के बाद हमें इसमें से जिस साइज के बॉल्स चाहिए उस साइज के हमें इसे कट करना है। हम यहाँ बना रहे हैं मिनी बन, तो हम छोटे साइज के बॉल्स बनाएंगे। तो देख हाफ पोर्शन हमने रख दिया है और हाफ पोर्शन से हम बना रहे हैं मिनी बन्स, तो इसको कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से कट कर लेंगे छोटे छोटे बन, बिल्कुल छोटे छोटे हमें बनाना है, तो छोटे छोटे हम बन बना रहे हैं। देखिए इस तरह से राउंड कर लेंगे, थोड़ा यदि बड़ा है हिस्सा कट रहा है तो उसको निकाल लें काट के। तो देखिए इस तरह से राउंड करते जाएंगे। तो इतने डो से 9 बॉल्स बन के रेडी है। चलिए अब एक एक करके हम इसको बेल लेते हैं। और हम बना रहे हैं स्टफ पैपी पनीर, तो इस तरह से बेल लेंगे इसको अच्छे से। तो चलिए आप बना लेते हैं पैपी पनीर मिक्सचर। तो यहाँ पे हमने पनीर लिया है 200 ग्राम और उसमें ऐड कर लेते हैं पिज्जा ऑरिगेनो मिक्स, ऐड कर लेंगे पेपरिका 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट 1/4 टीस्पून और अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। साथ में ऐड कर लेंगे लेमन जूस। तो पिज्जा ऑरिगेनो मिक्स में सभी चीजें हैं, गार्लिक पाउडर है, सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, ऑरिगेनो है, ड्राई ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक है। तो इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये तैयार है हमारा पनीर मिक्सचर। अब ये हम स्टफिंग में यूज करने वाले हैं। तो देखिए स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं स्टफिंग को रेडी करने में। अब इसको हम इसमें ले लेते हैं, ये देखिए इस तरह से, और ऊपर से ऐड कर देते हैं मोजरेला चीज। ध्यान रखिए चीज उतना ही ऐड करें, स्टफिंग उतना ही ऐड करें कि आप इसको अच्छे से क्लोज कर सकें और जब ये बेक हो तो ये खुले नहीं। बहुत कम भी ऐड नहीं कीजिएगा तो स्टफिंग कम होगा तो भी इसका मजा नहीं आएगा, तो स्टफिंग प्रॉपर होना चाहिए। अब ये बेकिंग ट्रे को हम अच्छे से बटर से ग्रीस कर लेते हैं और ये बॉल्स इस तरह से लगा देते हैं। ऐसे ही बाकी के भी हम तैयार कर लेंगे। तो हम एक एक आपको बना के बता रहे हैं। देखिए इस तरह से बेल लीजिए इसको, और उसके बाद पहले पेपी पनीर और फिर मोजरेला चीज, और फिर इसको क्लोज कर लीजिए ठीक उसी तरह से, नीचे की तरफ अच्छे से क्लोज करना है आपको। ये देखिए इस तरह से क्लोज करना है बहुत अच्छे से दबा के ताकि ये खुले नहीं। तो ये रेडी हो गया। इसी तरह से हम सारे बॉल्स रेडी कर लेंगे। तो ध्यान रखें कि ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ऊपरी सतह बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, अच्छे से बेलें और एक परफेक्ट स्टफिंग आपको करनी है।
इस तरह से हम बना लेंगे सारे मिनी बन। देखिए इस तरह से हम भरते जा रहे हैं और ये प्रिपेयर करते जा रहे हैं, तो सारे मिनी बन हम बना लेते हैं एक साथ। यहाँ पे ये 9 मिनी बन बनेंगे। तो देखिए ये बन के रेडी है हमारे सारे मिनी बन। अच्छे से हम इसको नीचे की तरफ करेंगे और बिल्कुल इस तरह से राउंड कर देंगे। अब इस पे हम लगा देंगे बटर, अच्छे से बटर लगाना है, और इसको अच्छे से ढक देंगे साफ कपड़े से, और इसे हमें 30 मिनट्स का रेस्ट देना है। 30 मिनट के लिए हम इसे किचन काउंटर पे ही रख देंगे। देखिए 30 मिनट हो चुके हैं और ये कितना फर्मेंट हुआ है। अब इसमें हम मिल्क वॉश करेंगे। हम यहाँ पे प्योर वेज बना रहे हैं इसलिए हम एग यूज नहीं कर रहे हैं। आप चाहें एग यूज करना तो आप एग योक में 1 चम्मच दूध मिला के आप वॉश कर सकते हैं। वैसे आप देखेंगे कि कलर बिल्कुल बहुत अच्छा आएगा, विदाउट एग यूज किए भी बन के सरफेस का कलर बहुत अच्छा आएगा। अब स्प्रिंकल कर देंगे सेसमी सीड्स यानी सफेद तिल। तो ये रेडी है बेक होने के लिए। ओटीजी को 180 डिग्री 10 मिनट हमने प्रीहीट होने के लिए रखा था। ओटीजी प्रीहीट हो चुका है 180 डिग्री 10 मिनट। अब 200 डिग्री पे हमें 15 to 20 मिनट्स लगाना है। 15 to 20 मिनट्स में ये अच्छे से बेक हो जाता है। तो देखिए 20 मिनट्स हुए हैं और 20 मिनट्स में हमारा जो बन है वो अच्छे से बेक हो गया है। कलर आप देख सकते हैं। अब इस पर हमें बटर ब्रश करना है अच्छे से। हम चीजी बन बना रहे हैं तो ऊपर से भी हम चीज ऐड करेंगे। और 200 डिग्री पे हमारा ओवन प्री हीट है, अच्छे से हीटेड है, तो उसी में हम 1-2 मिनट के लिए हम इसको वापस रखेंगे। तो सबसे पहले हम इस पे चीज ऐड कर देते हैं, मोजरेला चीज। अच्छे से चीज ऐड करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। तो चलिए इस पे हम अच्छे से बटर हमने लगा दिया और कितना सॉफ्ट है ये आप देख सकते हैं। अभी बहुत गर्म है तो इस पे चीज ऐड कर देते हैं। इस तरह से चीज ऐड करेंगे और ज्यादा टेस्टी हो जाता है। तो ये चीजी बन है, अंदर भी चीज है और ऊपर से भी हम मोजरेला चीज यूज कर रहे हैं। तो तकरीबन 1 कप हम चीज ऐड कर देंगे इसमें, यानी 125 ग्राम हम ऐड करेंगे इसमें चीज, और ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चिली फ्लेक और ऑरिगेनो। ऊपर से भी टेस्ट आएगा प्रॉपर। अब ये रेडी है। ओटीजी हमारा 200 डिग्री पे 2 मिनट के लिए हमने लगाया है। तो ओटीजी में हम इसको प्लेस कर देते हैं और 2 मिनट के लिए इसको बेक कर लेते हैं, 200 डिग्री पे 2 मिनट। तो 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए बन हमारा बिल्कुल रेडी है। बन हमारा बहुत गर्म है तो बटर ब्रश कर देते हैं इसके ऊपर अच्छे से। ये देखिए इस तरह से बटर ब्रश कर देते हैं। बटर ब्रश करने से क्या होगा, एक तो ये बहुत ही इसकी जो सतह है वो चमकदार हो जाएगी, और अमूल का बटर है तो टेस्टी भी है, और साथ में ये सॉफ्ट भी हो जाता है। तो आप चाहें तो थोड़ी देर आप ढक के रख सकते हैं यदि आप ज्यादा सॉफ्ट चाहते हैं इसको स्मूथ। वैसे ये अपने आप में बहुत सॉफ्ट है, इसको गर्मा गर्म ही आप खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। किसी भी डिप के साथ खाइए, यूं ही खाइए, क्योंकि चीजी बन है तो डिप की जरूरत भी नहीं है। आप चाहें तो हॉट एंड स्वीट चिली सॉस के साथ भी इसे खा सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कितना सॉफ्ट है ये, देखिए बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट है ये। और आप अपने घर में ही बना सकते हैं, बेकरी से भी अच्छा हेल्दी सॉफ्ट स्टफ चीजी बन। ये मिनी बन से दोनों साइड हम दिखा रहे हैं कि अच्छे से बेक हुआ है, ये नहीं कि एक साइड बेक हुआ एक साइड नहीं हुआ या ज्यादा हो गया। तो चलिए कर देते हैं प्लेट। हमारा सॉफ्ट कॉटन सॉफ्ट बन रेडी है। तो हम इसे हॉट एंड स्वीट चिली सॉस के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो चलिए प्लेट करते हैं ये सॉफ्ट अमेजिंग टेस्टी पेपी पनीर चीज स्टफ बन। बहुत ही डिलीशियस और बहुत टेस्टी। आप कलर देख सकते हैं और सॉफ्टनेस देख सकते हैं, कितना सॉफ्ट है ये देखिए, और देखिए कितना सॉफ्ट है और चीजी है, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल कॉटन की तरह है। इसे आप अपने पार्टीज में भी खा सकते हैं और अपने मेहमानों को खिला सकते हैं। गर्मा गर्म बनाइएगा ये स्टफ बन, बहुत टेस्टी बनता है और सॉस के साथ तो ये अमेजिंग लगता है। तो आप समोसा कचौरी भूल जाइए और बनाइए ये स्टफ बन, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी होता है। बेकरी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही बना सकते हैं ये स्पेशल सॉफ्ट कॉटन सॉफ्ट बन, बहुत ही टेस्टी है और बहुत डिलीशियस। सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा और बना लीजिएगा ये स्पेशल सॉफ्ट चीजी पनीर बन, बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी और आनंद उठाइएगा। हम आपको अंदर से भी बताते हैं कि अंदर से ये कितना अच्छा और कितना अमेजिंग है। और स्टफिंग देखिए प्रॉपर है, यानी देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट, और अंदर का जो चीज है और पनीर है, पेपी पनीर है, ये बहुत टेस्टी बना देता है इसको, बहुत डिलीशियस। और हम नेक्स्ट भी आपको बता रहे हैं देखिए इस तरह से। तो ज्यादा सोचिए मत और बना लीजिए ये स्पेशल पेपी पनीर चीज बन। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो बनाइएगा जरूर, और बनाकर आप पिक्स शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आपको रेसिपीज कैसी लगती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी के लिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ सदा जुड़े रहिएगा। जो लोग चुपके चुपके चले जाते हैं ना, तो चुपके चुपके मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। हमारे साथ हमारी फैमिली को बड़ा कीजिएगा। तो हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए तहे दिल से शुक्रिया यूं ही जुड़े रहने के लिए और बनाने के लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बनाइए आज हमारी स्पेशल रेसिपी। हम चलते हैं फिर लाने आपके लिए नई और अमेजिंग रेसिपीज। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग रेसिपी, मैजिकल रेसिपी, मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ।